हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रश शेयर करने वाला हूं। इस ब्रश के यूज़ से दोस्तों आप अंडर वाटर इफेक्ट बना सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। अगर आप इस ब्रश को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को फॉलो करके आप इस ब्रश को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कंप्लीट आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप ब्रश को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में, देन इस ब्रश को कैसे यूज़ करके आप अंडर वाटर इफेक्ट बना सकते हैं काफ़ी ईजी वे में। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों तो आपके पास एक जिप फाइल आएगी कुछ इस तरीके से। इस जिप फाइल को राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। इस फोल्डर को जस्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे एक दो फोल्डर दिख रही है आपको, एक ब्रश का एक पिक का। पिक को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दो इमेज दिखा दूँ दोस्तों। कुछ इस तरह का इफेक्ट आप बना सकते हैं आज की इस ब्रश को यूज़ करके। देख सकते हो दोस्तों अंडर वाटर इफेक्ट जो कितना ईजी वे में कितना कूल बना हुआ ना, आपने थंबनेल में भी गौर किया होगा। तो कुछ इस तरह से इफेक्ट बना सकते हैं आप। अब इस ब्रश को आप लोड कैसे करेंगे फोटोशॉप में वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दो तरह का ब्रश आपको दिख रहा है, एक जो आपका CS अगर वर्जन है तो आप इस नीचे वाले को यूज़ करेंगे, अगर आपका CC6 से लेकर के CC18, 17, 19, 20 तक है तो आप ऊपर वाले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास CC18 है तो मैं ऊपर वाले को इम्पोर्ट करूँगा अपने फोटोशॉप में। तो इम्पोर्ट करने का सबसे ईजी वे मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहले आप फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे, देन एडिट पर चले आएंगे, प्रीसेट पे, देन प्रीसेट मैनेजर, देन यहाँ पे आप उस फाइल को लोड करेंगे दोस्तों जिसे आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं। लोड पे क्लिक करेंगे हम लोग, देन डेस्कटॉप फोल्डर को ओपन करेंगे, ब्रशेस ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मेरा CC18 है तो मैं ऊपर वाले को सेलेक्ट करूँगा, देन लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे एक फोल्डर ऐड हो जाएगा, जैसा कि देख सकते होंगे आप अंडर वाटर इफेक्ट, ठीक है ना, अंडर वाटर एयर। इस फोल्डर को जैसे यहाँ से ओपन करेंगे आप तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको 100 से एनफ आपको ब्रशेस यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो इस ब्रश को आप यूज़ कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सर डन करते हैं हम लोग। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ, इस पेज में मैंने ग्रेडियंट लिया हुआ जैसा कि देख सकते होंगे, है ना, ब्लू कलर का। तो आप भी कुछ इस तरह से ग्रेडियंट ले सकते हैं या फिर वाट एवर आपका जो भी बैकग्राउंड में आप पानी के अंदर विजुअलाइजेशन कीजिए कि पानी के अंदर सिचुएशन कैसा होता है वो आप क्रिएट कर लेंगे। देन यहाँ इसके ऊपर आपको एक नया लेयर क्रिएट करना है जैसा कि मैंने क्रिएट किया। अब चले आप अपने ब्रश पे, देन यहाँ पे चूज कर ले आप ब्रश को कि क्या कौन सा ब्रश आप यूज करना चाहते हैं। तो अंडर वाटर को यहाँ से ओपन करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे ब्रशेस आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इस ब्रश को हम लोगों को यूज़ करना है, सिंपली इस ब्रश को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लोग, देन यहाँ पे आएंगे इसे छोटा कर लेंगे, ये इफेक्ट नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाइड वाला लेते हैं जो सबसे नीचे में होगा, वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों इस ब्रश को पहले हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ से जूम इन कर लेते हैं हम लोग, देन यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देखिए ये ब्लैक में दिख रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने कलर यहाँ पे चूज़ नहीं किया, कलर यहाँ पे आपको वाइट रखना है वाटर यूज़ करने के लिए, तो मैंने वाइट किया यहाँ पे, देन यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों ये ऑलमोस्ट पानी के जैसा दिख रहा है कि समुंदर के ऊपर का जो परत होता है वो दिख रहा है आपको, या फिर सबसे नीचे का जो होता है वैसा दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आपको ऊपर का कुछ इफेक्ट बनाना है तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस हैं, आप वन बाय वन यूज करके देख सकते हैं। मैं आपको सारे ब्रशेस तो नहीं दिखा सकता बट कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जैसा कि देख रहा हूँ। जैसा ये देख सकते हैं ऊपर से अगर कुछ चीज आप पानी में मारेंगे जैसे कि पत्थर वगैरह तो आपको कुछ इस तरीके से इफेक्ट बनेगा। देन यहाँ पे इसी तरह वन बाय वन आप चेक करें दोस्तों, मैं सारे ब्रशेस को तो दिखाना मुश्किल है बट आप ऑलमोस्ट इस तरह से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली ये ब्रशेस काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में है जैसा कि ये देखिए ये काफ़ी कूल है, जैसे कि मैं नया लेयर बना करके इस लेयर को डिलीट करता हूँ, देन यहाँ पे इस ब्रश को यूज़ करूँगा इसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखें, है ना, पानी में अगर कोई चीज़ इफेक्ट है जैसे ऊपर से कुछ छलांग लगा रहा है या फिर ऐसा कुछ इफेक्ट बना रहा हो तो कितना ईजी वे में आपको ये वाटर जैसा दिख रहा है दोस्तों आप खुद भी गौर कर सकते होंगे, है ना। अब यहाँ पे नीचे वाले में हम लोग वो नीचे वाला लगा देंगे जो मैंने अभी फर्स्ट में यूज़ किया हुआ था। सबसे नीचे चले जाएंगे हम, यहाँ पे वो इफेक्ट है मुझे पता है मैंने यूज़ किया हुआ, इसलिए आप भी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा ब्रशेस है। तो ये ब्रश को मैं यहाँ पे नीचे ऐसे लगा, अब देखिए है ना ये वाटर का इफेक्ट लग रहा है ना दोस्तों कि पानी के नीचे कि अंडर वाटर का कुछ इफेक्ट इस तरीके से दिख रहा है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ब्रश को आपको इंपोर्ट करना है, बस इसे यूज़ करने के लिए आना चाहिए आपको। मैंने कुछ कुछ तरीका बता दिया आपको, इस तरह से पीछे कलर ले सकते हैं, नीचे का पहले परत दे सकते हैं, देन ऊपर वन बाय वन आप जाकर चेक कीजिए कि किस तरह का इफेक्ट बनता है आपका वाटर का। तो काफ़ी ईजी है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ये ब्रश पसंद आया होगा, आपको ये इफेक्ट पसंद आया होगा। दोस्तों जरा सा वीडियो पसंद आएगा जरूर वीडियो को एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।